थोड़ी सी ये गाड़ी में ज्यादा झटका ले रही है। पहले पहले हम पता क्या देख रहे हैं, 10 साल बाद दोबारा देख रहे हैं पिल्ले हैं। हम पता हमें क्या देख रहे हैं, जैसे 2013 पिल्ले आई तो इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है, ये बात है ठीक है। हम देख रहे हैं कोई छेनी हथौड़ा लेके, अब कोई लग तो नहीं रहा, जैसे अगर अभी तोड़ने लग रहा होगा तो हमें धक्का देंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर, मामला खराब कर दिया हमारा तो हमारा तो सिस्टम बिगड़ जाएगा भाई। एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट को पैसा भी तो देख रहा हूँ, कैसे देखा जाएगा पैसा। तो ये मंदिर के नीचे जाके ये राम भैया जाएंगे नीचे, अभी चेक कर गए, चेक कर। अब क्या दिक्कत आई, बीच बीच में धक्के ले रही है चलती चलती, और तो दोस्तों हमारी फिर से गाड़ी में दिक्कत आई है। अब ये फाइनली यहाँ टाटा मोटर्स पे इसको हुंडई को ठीक से एक जगह करा रहे हैं हम, देखो अगर हुंडई ठीक टाटा मोटर्स हमारी हुंडई को ठीक जगह कर दे तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, एकदम लास्ट तक देख के जाना जी। और जीने दो पंकज को, क्या फोटोग्राफी करेगा रे पंकज, और पंकज इसे खींच, हाँ इसे खींच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेवतिया राइडर। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, और ये हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है दिल्ली टू बद्रीनाथ। और अभी फिलहाल में हमारी तीन गाड़ी है इसके अंदर, मतलब कि जिनकी मतलब कि तीन गाड़ियों से हम जा रहे हैं, मतलब कि हमारी तीन गाड़ियां हैं, हमारे पास 12 आदमी है। और तो अभी हम यहाँ पर रुके थे अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए, और ये हमारे कपू भैया हैं। तो अभी जो जा रहे हैं ये तीन गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी ये है, बाकी की दो गाड़ियां और आगे जो खड़ी हैं तो रास्ते में खड़ी हैं, उन्हीं के साथ में मिलके आगे। और तो इस ट्रिप में जो जो है वो 12 आदमी है, हम 12 जने हैं। हम कई कुंटल के बैठे हल्ले हैं, 38 से ज्यादा का, अब 3850 कर दो देख के, बस 25 आ गया। गाइस हमारी इस गाड़ी में तेल आ गया है 3850 रुपए का, और ट्रिप इज लेट्स गो। और तो गाइस हम अभी फाइनली एक डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, अब यहाँ पे हमारी तीनों की तीनों गाड़ियाँ हैं, और ये हमारे गाइस हैं जो आगे जा रहे हैं। कविंदर भैया हमारे, ये रही हमारी तीनों की तीनों गाड़ियाँ। तो अभी बजे हैं रात के 11:50, और अभी यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ये है लोकेशन भोजपुर, जो कि मोदी नगर के पास में है। और तो गाइस ये हमारे भाई लोग हैं, ये रामू भैया, ये जॉनी भाई, जल्दी अपनी गाड़ी स्टार्ट करो यार, गाड़ी तो स्टार्ट है हमारी यार, आओ तो बोले ना। और ये हमारे बड़े भैया, ये हमारे बड़े भैया राम रवि भैया, रवि भैया ने जो इतना सपोर्ट कराना चैनल के लिए भाई, इतना किसी ने नहीं करा सच्ची में। बिल्कुल करवाएंगे भाई को, बिल्कुल भाई को वहाँ पहुँचा देना, यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो गाइस हमारी साइड सारी रेडी है, हम बैठते हैं गाड़ी में चलते हैं। अभी फिलहाल में हम वेन्यू को लीड कर रहे हैं, बाद में देखते हैं कौन सी गाड़ी लीड करने के लिए मिलती है। मैं ध्यान से चलियो, मैप कहाँ का लगा लो। अभी हम पहुंच गए हैं खतौली, हमने पार कर दिया है खतौली, पार करने के बाद में अभी फिलहाल में कुछ नाश्ते वगैरह के लिए रुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 1:10, और हम निकले थे वहाँ से, मैं काफ़ी ज़्यादा काला काला सा आ रहा हूँ कि ब्राइटनेस है नहीं, और अभी नाइट हो रही है, 1:10 हो रही हैं। तो हम वहाँ से निकले थे 11:50 पर, और अभी हम यहाँ 1:10 पर पहुँचे। अभी हमारा मैप जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 403 किलोमीटर, और सुबह के दिखा रहा है 11:30 तक। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं बद्रीनाथ, और जर्नी काफ़ी अभी तक तो हंसी मजाक से जा रही है, और बाकी की चलो यार इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है, खैर तो अभी तक तो जर्नी बहुत ही अच्छी जा रही है, देखते हैं और आगे क्या मिलता है कैसे है। ओके तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में, और तो मिलते हैं अभी आपसे आगे। दे देख भाई ने ब्लॉग बना हमारा, ब्लॉग शुरू हो गया, ब्लॉग शुरू हो गया। देख भैया बात सही,
भैया देखा यूट्यूब वो की दुकान देख लिया तो काटा भाई उधर ये क्या मुझको दिया भाई किसी गेट की तरह पापा देख रहे हो पापा देख रहे हैं चटलाएंगे बहुत ज्यादा आवाज आवाज की तो कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत ना कोई ना दिक्कत गाइस 2 बजे हमारा एक पहला लंच नहीं डिनर होता है और डिनर की भीड़ ये रही। अभी डिनर कर लिया हमने, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं 2 बजे। 2 बजे उसके बाद में बैठते हैं गाड़ी में। पंकज पानी की बोतल चुराता हुआ, पंकज चुरा ली आने की बोतल। और तो गाइस अब फाइनल चलते हैं हम बाइक की तरफ, गाड़ी की तरफ। आओ आओ प्रशांत, ये हमें प्रशांत आगे हुआ यार, अपना ही समझ तू व्लॉग। प्रशांत भाई लग रहे हैं एकदम कातिल, बस इतना ही कातिल लग रहा था मुझे इससे ज्यादा। और तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं शिवपुरी, और शिवपुरी पहुंचते पहुंचते लग गया है बहुत ज्यादा टाइम। अभी भी हमारा टाइम रह रहा है बाकी का 7 घंटे 50 मिनट और दिखा रहा है 12:17 पे हम पहुंचेंगे। ऋषिकेश भी गया, हरिद्वार भी गया, शिवपुरी में आके क्योंकि यार बस हो गया था ठंडे कितने रह गए गाड़ी के, देखियो जरा दो ही घटे गाड़ी के। ओ लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे इसी तेल में, लग रहा है क्या, चलो देखते हैं। अरे गोप्रो भी बना रहा है अपनी अपनी वीडियो, अपना गोप्रो लगा हुआ है अपनी जगह पे। बाकी अभी टाइम हो रहा है 4:29 और 4:29 पे हम पहुंचे हैं शिवपुरी। शिवपुरी पहुंचे हैं अभी, और बिल्कुल भी नहीं सोया, बस मेरे अलावा कोई और नहीं सोया, मैं थोड़ा बहुत सो लिया हूँ। मेरे को बस सोना चाहता हूँ, अगर मैं सो जाऊँ तो बढ़िया है यार, फिर टेंशन फ्री तो है। एक बार शिवम भाई तो इधर ठंडी हवा ढूंढ रहे पिछले 10 किलोमीटर हवा नहीं मिल रही शिवम, मिली जाओ ठंडी हवा। बड़े लोग है भाई, शुभम भैया ना जो दबाई है ना ब्रीजा साढ़े चार बजे हम शिवपुरी पहुंचे हैं बस, और अभी भी इससे आगे कम से भी कम 7 घंटे का ही है बसता है। सेकंड स्टॉप इन आफ्टर शिवपुरी। भैया हम उस दिन कैंप में जब रुके के आदमी का काम रुके क्यों भैया, ये वो वाली लाइट बंद कर रहे थे, वाली कहां लाइट, कहां लाइट वाली सिगरेट पीनी है, कहीं कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है तो अपने लिए भी ले लो, अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें तो कुछ ले लो ना, अरे वो और यहाँ सबकी सेटिंग चेंज हो गई है। हम पहुंच गए हैं बलिनो में, बलिनो वाले पहुंच गए हैं ब्रीजा में, ब्रीजा वाले पहुंच गए हैं वेन्यू में, पहाड़ के बीच में ना सड़क पे ही तो चलेगी गाड़ी, पहाड़ के बीच में ऊपर रास्ता बनाएंगे नहीं, या फ्लाईओवर से निकलवा देंगे। अब बकिल तो खींच के गया भाई।
वकील तो घी हो वकील ना दिख रहा और गए भैया भी खींच गई है वेन्यू है वेन्यू तो सबसे आगे है जो सबसे पीछे थी अभी हम हैं भारत के सबसे पवित्र संगम पर हिमालय से निकलने वाली अमृत की दो जलधारा जिनके मिलन से जन्म होता है माँ गंगा का और अभी हम हैं देवप्रयाग में और अभी टाइम हुआ है 5:50 और अभी हमने अप्रोक्स 270 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है तो अभी भी हमारा 250 किलोमीटर के आसपास है बद्रीनाथ और अभी टाइम है 5:50। अभी जो आप सामने संगम देख रहे हैं यह भारत के पवित्र संगमों से एक जो संगम है देवप्रयाग। अगर आप वैदिक पुराणों के हिसाब से देखें तो माँ गंगा का जन्म यहीं से हुआ है ऑफिशियली और जो सामने की तरफ से जो धारा आ रही है वो है अलकनंदा और जो ये वाली है ये है भागीरथी। भागीरथी आ रही है गंगोत्री से। ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं आपका फेस कैसे काल हुआ था? ये भाई था ये तो नेचुरल था पापा ने कर दिया तो पहले ही ना मैंने सोनू को बता दिया मैं भैया का फेस काला नहीं है। काला करने क्या मतलब है भैया का फेस काला नहीं है ए पे पे मनी काला है नहीं ए पे 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 नहीं जी प्रस्थानम मनी कुमार जी। और तो गाइस 7 पहुंच गए हैं अब हम श्रीनगर में। श्रीनगर में एक बार करवा लेते हैं जरा टंकी फुल दोबारा से क्योंकि तेल की काफ़ी कमी लग रही है हमको। अभी वो आ गए ब्रीजा में तो भरी गया तेल और अभी आधा ना पूरा ही है जून में गुस्सा करते हुए पेट्रोल है। अरे रुक जा कैसे हवा बाज रुक जा कैसे नली फली है वहां पे ना उसका 2400 तो ना लो इधर वैन में भी आगे फुल होने के लिए दोबारा से फुल करवाएगा टंकी चार्ज जो करेगा फुल करवा के छोड़ ये हफ्ता ऐसे ही करवाते रहे और कुछ काम इल्ला थोड़ी है। तो गाइस टंकी फुलाने के बाद मिलते हैं आपसे। काफी लवाई बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है तीन चार घंटे की ड्राइविंग के बाद में बहुत ज्यादा फील हो रहा। कमर टूट गई यार। कमर टूट गई कहाँ टूट गई अभी तो सिंगल दिखाई दे रही है। आठ घंटे की ड्राइविंग के बाद में सबके चेहरे उतरे हुए हैं। परेशान क्यों हूँ जब बैठा तू यहाँ पे यार अभी तो केदारनाथ का ट्रैक भी है भाई अभी तो बहुत कुछ रह रहा है। खड़ा हो कपिल भैया उल्टे ना चटिया देंगे इस टाइम पे दिमाग वैसे ही खराब है ना भाई। वेन्यू में हल्की दिक्कत आ रही है देखा गाड़ी के पास लेके जाइए भाई हमारी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ रही है गलती से बोनेट खोल दो भैया यहीं भी व्लॉगर बना देंगे पेट्रोल भराने के बाद में अब श्रीनगर में पड़ने लगी है बारिश लोग बागों के बाइक पे तैयार हो चुके हैं और अभी यहाँ पर पी रहे हैं चाय। हेलो चाय के में तेरी हेलो ही खत्म ना हुई। हेलो तो भाई कब आपकी खत्म हो गई अब तक हेलो का इतना हो गया यार कुछ नई चीज लेके आओ ना। हाँ तो चाय जो बन तो रही है प्रस्थानम कर दे करो चाय बन तो रही है ये बंद बटर भी लेके आ रहे हैं बंद बटर भी है स्पेशल चीज है हमारे सच में बारिश तेज होने लगी यार जम्मू कश्मीर ना है तो कोविड बन रखी है उत्तराखंड कश्मीर है श्रीनगर है श्रीनगर ये कश्मीर वाला श्रीनगर ना है तो रवि भाई इसके बाद में कहाँ जा रहे हो तुम
ए सी सो चल रही है। कौन सी कंपनी का? वोल्टास का। वोल्टास का एसी लगा हुआ भाई, वाह बढ़िया। यहाँ तो उतरते उतरते जम जाएगी एसी में तो। अभी वेन्यू में प्रॉब्लम आने के बाद में अभी हमारे कपिल भैया का रिव्यू है कि गाड़ी में सिर्फ दो ही आदमी जाएंगे, तो बाकी के दो आदमी कहाँ जाएंगे? देखो जी, एक तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई ब्रेजा में एक करना पड़ेगा वेन्यू में। मैंने एडजस्ट कर लिया, मैं सजा नहीं कर पाऊंगा। डिग्गी में कर दे, डिग्गी में कर दे, डिग्गी में सेट यार। डिग्गी में साफ लगा, डिग्गी में सेट है सच में यार। इसमें गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई है मामा को, थोड़ी सी गाड़ी में ज्यादा झटका ले रही है। देखो ये हमारे मामा का है, बात के मुताबिक वेन्यू में सिर्फ दो ही आदमी जा रहे हैं, बाकी के जा रहे हैं, एक आदमी एडजस्ट हुआ है। ये रामू भैया कहाँ से आ गए हमारी गाड़ी में? ए, मैं रामू भैया कहाँ से आ गए हमारी गाड़ी में? मैं कल शाम 7 बजे तो बैठ गया गाड़ी में। बलिनो के अंदर एडजस्ट करने पड़े हैं एक आदमी और एक आदमी ब्रीजा के अंदर। जो नहीं भैया, तुम भी ऐसे काम ना करवाते रहो यार, तुमने इतने इतने भगाई हो गाड़ी। कौन सी? वो वेन्यू। मैं तो सबसे पीछे आ रहा हूँ भैया। ना भाई सही करा, आराम आराम साहे। हम तो भगाने की इच्छुक ही ना, हकीकत बताऊं तो हमने तो मजबूरी में भगाई है। मैं ज्यादा आ गया। और अब हमारी गाड़ी चल गई है गैरेज के, गैरेज में। यार इसमें सच में कुछ दिक्कत हो गई है। दकार होम सर्विस सेंटर। भाई यार सच बताऊं, वो जो व्यू देखा है ना मैंने फोन में, अभी तक तो हम थोड़ा सा इसको लाइटली लेते, बट यार ये लाइटली नहीं है, इसमें सीरियसली में ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। तो भी मिस्त्री देख रहा है, बताते हैं आपको क्या होता है। वैसे तो हमें 11-12 बजे तक पहुंचना था बद्रीनाथ, बट अभी 8 तो यहीं बज गए हैं, तो देखो क्या टाइम लगता है इसमें। वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि 11-12 बजे तक पहुँच पाएंगे। तो इसमें भी कोई टेक्निकल इशू है, तो भैया जो मकैनिक है वो भी फिलहाल में अपने जो कंप्यूटराइज है मतलब उससे कुछ चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये BS6 है, तो उसी में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। तो टेक्निकल चीज़ें ऐसे ही होती हैं, बाकी जैसे बताते हैं हम आपको बताते हैं आगे। दिसंबर में कर दिया, पता लग जाएगा कि इसका एक स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा है। देखा स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा। अब भैया देख रहे हैं, भैया ने मशीन से देखा BS6 मॉडल है। बता दिए भाई, तो कपिल भैया पीछे तना रहे हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाइयों बहनों। मोदी जी के समर्थक है जी, हम भाइयों बहनों ही कहते चलेंगे। टिंगे होंगे हम पे कहना भाई, इधर को ले लो भाई साहब। कपिल भाई जो है हमारे तैयार है बिल्कुल, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। एक किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव है, वो चेक करेंगे ये गाड़ी में कोई परेशानी तो ना बनी है। क्या पैसा है भाई साहब हमारे? 4 तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 9:05 और अभी हम पहुंचे हैं माँ धारी देवी मंदिर के पास में। ये सामने आप देख जा सकते हैं, ये माँ धारी देवी का मंदिर है, नीचे माँ गंगा है और ऊपर धारी देवी जी का मंदिर बना हुआ है। नाम
बीच मौजूद है। और दोस्तों धारी देवी को चार धामों की संरक्षक माना जाता है, क्योंकि जो केदारनाथ में प्रलय आई थी उसका कारण माँ धारी देवी का क्रोध ही था। क्योंकि 16 जुलाई सन 2013 में जो यहाँ पर बिजली की एक कंपनी काम जो कर रही थी उसने माँ धारी देवी की मूर्ति को बिना किसी विधि विधान के यहाँ से हटा दिया था, तो उसी की वजह से केदारनाथ में प्रलय आई थी। और यह यहाँ का वो जो टाइम था वो था 5:30 बजे और सही आधा घंटे बाद में केदारनाथ में प्रलय आ गई थी। और तो हम मिलते हैं इनसे जॉनी भाई। भाई साहब ये क्या चीज है? भाई साहब ये क्या है कि अरे क्या ऊपर जे जे लंबी है तो जे लंबी लंबी बंदूक है। अब यहाँ भी कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे यहाँ से भाई। 10-15 मिनट तो देखो, अब जब इतनी दूर घूमने आए हैं तो मजा लेंगे ना। 10 साल पहले आई है। अब हम पता क्या देख रहे हैं, 10 साल बाद दोबारा देख रहे हैं। हम पता हमें क्या देख रहे हैं, जैसे 2013 पहले आई तो इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये बात है, ठीक है। हम देख रहे हैं कोई छेनी हथौड़ा लेके अब कोई लग तो नहीं रहा। जैसे अगर अभी तोड़ने लग रहा होगा तो हमें धक्का देंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर, मामला खराब कर दिया हमारा, हमारा तो सिस्टम बिगड़ जाएगा भाई। एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट को पैसा भी तो देख रहा हूँ मैं, कैसे देखा जाएगा पैसा। ये मंदिर के नीचे जाके ये राम भैया जाएंगे नीचे, अभी चेक कर गए, वो चेक कर गएंगे कितना नीचे गहराई में, नीचे गहराई में। और छेनी हथौड़ा देखे अगर कुछ लेके लग रहा होगा तो वहीं चटिया देंगे वहाँ, क्योंकि हमें फिर ले दोबारा नानी। अब हम कोशिश कर रहे हैं हमें कहीं से पुजारी का नंबर मिले। नंबर तो देखो सतान आई है। अब ये फाइनली यहाँ टाटा मोटर्स पे इसको हुंडई को ठीक जी करा रहे हैं हम। देखो अगर हुंडई ठीक, टाटा मोटर्स हमारी हुंडई को ठीक जो कर दे तो यार अच्छी बात, हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगी। अन्यथा तो ट्रिप तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अपने टाइम से भी बहुत ज़्यादा लेट है। बस अब तो यही है कि ये ठीक हो जाए तो फिर हम आगे चलें, प्रस्थान करें। और दोस्तों रुद्रप्रयाग में दूसरा लंच है, दूसरा लंच है, तीसरा लंच है। भाई साहब ये गलत कह रहा हूँ, हमारा पहलो इनको दूसरा इनको हमारा तो तीसरा हमारा तो पहलो यार, हम पीछे चल रहे हैं दो गाड़ी में भी मार दिया तो मैंने गाड़ी ना।
अपने वाले हम ना गिनने कुछ भी। दस बज के 16 मिनट हो गई हैं, अभी बहुत सारा टाइम है और बचा हुआ। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी अरे पराठे हमारे सब के आ चुके हैं, परौंठे। और तो दोस्तों अभी हम वहाँ से निकल गए हैं, अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम ठीक है, अभी इसमें कोई जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जो पहले वाले मिस्त्री ने करी थी उसने भी ठीक जो किया था, बट क्या है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम थी तो वो दोबारा आई गई। तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं पीपल कोटी और अभी टाइम हो रहा है 1:27 और अभी रास्ता दिखा रहा है 2:45 का, जो कि 4:12 पर पहुंचेंगे हम। यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लग गया है। बाकी व्यू ऐसा है बाहर का ना, सच में यार गजब, इतना खतरनाक व्यू है बाहर का क्या पूछो। देख रहे हो ना आप लोग, बहुत ही बढ़िया। और तो अभी 4 तक के आसपास तक हम पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, फिर बाद में अभी जाके बिल्कुल दर्शन करने हैं बद्रीनाथ के। और तो गाइस बस लेट्स गो। भैया 12:30 चलने के बाद में कैसा फील हो रहा तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है यार, घंटा फील हो रहा है। तुम्हारी हमें पता ना तुम्हारी क्या हो रहा है, वो बोलने के2:21 हो रही हैं और अभी भी 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा। 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा से क्या होता, हमारा तो फाइटर जेट है भैया, चौथे गियर में भी चढ़ा दी। और तो गाइस अब हमने जोशीमठ कर दिया है पार और अभी रास्ता दिखा रहा है सिर्फ 41 किलोमीटर का और टाइम हो गया है 3:21, तो 4 वाला प्लान फ्लॉप, उतने बजे भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब पहुंचेंगे 5, 1:41 का रास्ता है। 5:30 1:41 दिखा रहा नहीं, 5:02 पर पहुँचा देगा। तो बने रहिए। किसके? मेरे हाँ। मेरे कहीं भी ना है क्यों? मैं और अब यहाँ के ठंड लगने लगी है, अब लग रहा है कि इन बकरों की ऊन उतारनी पड़ेगी। कविंद्र भैया अरे गैल गैल आके चलो 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 लगा के चलो कविंद्र भैया। नहीं नहीं लगा के मतलब थोड़ा सा पीछे रख के मतलब लगा। और तो गाइस अब हम सिर्फ 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, अभी हमारा मैप दिखा रहा है सिर्फ 12 मिनट का रास्ता। और सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना रहा और व्यू तो एक नंबर, इतने खतरनाक खतरनाक वाटरफॉल दिखाते हैं। वाटरफॉल और व्यू जो है ना, वो व्यू एकदम औसम, बहुत ही गजब व्यू है। तो अभी इस ट्रिप में हमको लगा कम से भी कम अप्रोक्स 17-18 घंटे का टाइम, हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खिंच गया यार, कोई नहीं चलो हो जाता है कभी कभी एक आधे ट्रिप पे ऐसा भी सही। और ये सारे पहाड़ों पे तो बहुत ही मजा आ रहा है ट्रिप में,
चलो तो अब सीधा 5 या 10 मिनट में केदार में वो बद्रीनाथ में पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, एकदम लास्ट तक देख के जाना। जी और जीने दो पंकज को, क्या फोटोग्राफी करेगा रे पंकज। और पंकज इसे खींच, हाँ इसे खींच। फाइनली हमने बद्रीनाथ के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये रहे यहाँ के बद्रीनाथ के होटल्स वगैरह, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। सामने की तरफ टेम्पल दिखेगा आपको, अभी दिख नहीं रहा है, वो बिल्डिंग आ गई सामने। और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजेदार ट्रिप रही। बस हमारे साथ में एक काम गलत हो गया और उसका व्लॉग आपको अलग से मिलेगा इस वीडियो के बाद में, एपिसोड 2। बहुत ही मजेदार व्लॉग है, हमारे रवि भाई हैं, उन्होंने एडिट किया, उन्होंने किया है वो सारा का सारा लीड। और तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। हम ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि रेगुलर अपडेट ऐसी मिलती रहे आप लोगों को। और तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 5 और हम पहुंचे हैं करेक्ट 5 बजे, और हम उधर से चले थे करेक्ट रात के 12 बजे। तो ये हमारी जनरली, तो ये हमारा रहा है पूरे के पूरे 17 घंटे का, 17 से 8। बाबा बद्रीनाथ की नगरी में, और इस साइड में है टेंपल, अभी चलते हैं टेंपल का अभी अभी दर्शन करेंगे। और ये हमारा व्लॉग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया जर्नी में, बहुत ही प्यारी जर्नी रही। और इसी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना ऐसे ही मज़ेदार भी, मतलब यही मज़ेदार राइड्स के लिए अच्छी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।